नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, पहले भी आपको एक कवरेज दिखाई थी जिसमें आपको कहा था कि लोगों में आजकल भावनाएं बची ही नहीं हैं। आजकल आपने देखा है कि महिलाओं को लेकर तो बड़े बड़े कानून बना दिए गए हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे में हमारे समाज के अंदर वो पुरुष भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं महिलाओं की तरफ से, यानी कि फिर भी वो महिलाओं के जो है इस प्रताड़ना को भी सहते हुए यही सोचते हैं परिवार जो है उन्हें बसा के रखना है। और आपको बता दें, हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो कि पिछले लगभग आपको बता दें 7-8 साल से एक महिला के साथ शादी करने के बाद 7-8 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पूरी कहानी आपको बताएंगे। और ये इस खबर को आप जरूर से ज़रूर आपने शेयर करना है, क्योंकि हमारे साथ में एक शख्स हैं जो कि करनाल के घरौंडा के रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रोते हुए हमारे पास आए और पिछले साल के दिसंबर से इनकी जो पत्नी है वो घर से चली गई है कहीं, और उसके बाद से परेशान है। लेकिन पूरी कहानी क्या है ये आपको जानना चाहिए और इससे कोई सीख लेनी चाहिए। तो एक बार बात करते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? बलवंत सिंह जी। घरौंडा रहते हैं जी? हाँ जी, घरौंडा खोराखेड़ी रहते हैं। आपकी जो पत्नी है क्या नाम है उनका? काजल जी। ये कहाँ चली गई आपकी पत्नी? अब पता नहीं कहाँ गई, बता के नहीं गई। सुबह 10-11 बजे निकल गई जी घर से। ये दिसंबर को गई थी? हाँ, 13 तारीख को 12वें महीने की गई जी। हाँ, तो माँ को बोली है मैं स्कूल में बच्चे छोड़ के आऊँ जी। उसके बाद फिर आ गई घर जी, तो बोली है क्या भाई अपना मैं बच्चे का डाकखाने किस्त भरने जा रही हूँ। माँ बोली ठीक है जा। उसके बाद फिर ये फिर आ गई जी घर। आने के बाद जो कपड़ा इसने बच्चों का लेना था अपना लेना झोले में लेके चली गई घर से जी। उसके बाद ये फिर लौट के नहीं आई जी। फिर 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद घर फोन कर रही है माँ के पास, तो माँ को बोली अभी मैं अपनी बहन के साथ कपड़े लेने आई हुई है करनाल आपके ही घर पे इधर ही। हाँ भाई, मेरे को फोन माँ को किया है जी जी। तो भाई इसके बहन के लड़के की शादी थी, तो 26 तारीख की शादी थी, तो ये बोली मैं बहन के साथ करनाल कपड़े लेने गई हूँ, बच्चे भी साथ में लेगी जी, स्कूल से ही मतलब लेगी बच्चे जी जी। हैं जी, बच्चों का मुंह भी नहीं देखने दिया इसने। तो उसके बाद फिर ये अपना माँ ने, मैं ड्यूटी पे था, माँ ने मेरे को फ़ोन किया अभी ऐसे ऐसे बेटा बात हो गई है, ना तो घर आई है ना बच्चे आई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, तो इसको फ़ोन करो। फिर मैं फ़ोन करा, माँ कहाँ चली गई? बोली अपनी माँ के पास घर जा रही थी। फिर भी इसने बताया नहीं। फिर मेरे को बोली है कि मैं फ़ोन बंद कर दूँ, मेरा बड़ा फ़ोन लेके गई है जी, आज तक वो फ़ोन बंद आ रहा है जी, आगे पता नहीं ये कहाँ गई है कहाँ। आपकी इनसे शादी लगभग 7 साल हो गए हैं? शादी 7 साल हो गई। तो 7 साल इनके जो माता पिता हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो इधर के गोरखपुर मिठुआ गांव है जी, वहाँ के रहने वाले हैं जी। वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आपने एक कहानी भी बताई है जिसके अंदर बता रहे हैं कि जो इनके माँ बाप हैं, ये आपकी पत्नी ने कहा था कि वो तो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मेरे शादी हुई थी। हाँ, शादी होने से पहले बोलती है मेरी बहन है जिन्होंने मेरी शादी कराई है, वो भी दलाने में रहते हैं। यही करनाल में शादी हुई थी? हाँ, करनाल में कोर्ट मैरिज हुई थी जी। ठीक है। नीरज वकील है, उसने कराई थी जी। तो फिर ये राजापुर का एक प्रदीप था, वो इसका जीजा लगता था, इन्होंने मेरी शादी करा दी जी। इन्होंने मेरे से कुछ नहीं लिया, इन्होंने सोचा, मैं बोला गुरुद्वारे में फेरे करा दे, इसका जीजा बोला नहीं पक्का काम कराएंगे कोर्ट में जी। ठीक है। कल को कोई दिक्कत ना हो, या तू छोड़ दे ये छोड़ दे, फिर कोई दिक्कत ना आएगी जी जी। तो जी 6-7 साल हो गए जी, मैं अपना घर बसाने के चक्कर में लगा रहा जी, है इस घर वाली की इतनी सेवा की, आज मेरे को दर्द आ रहा है, पूरे शरीर की सेवा करी, इसको रोटी देता, ड्यूटी से आना, दुखी आना, सुखी आना, फिर भी इसको रोटी देता था, इतना अपने बच्चों से और इससे इतना प्यार करता था कि आज मेरे को दुख आ रहा है। आपको दोस्तों बता दें कि जिस तरीके से इनसे हमारी बात हुई इस कहानी के अंदर, ये तो आज के समय में है ही है कि ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी इनके पास वापस आ जाए, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि ये किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी को जिस तरीके से वो घर से चली गई हैं, साफ तौर पर इन्होंने ये बात कहते हैं कि इनकी पत्नी किसी के साथ गई हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है, आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं, ये इनके मासूम बच्चे हैं। आपको बता दें कि जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी शादी के दौरान ये जो गुड़िया है, ये इनसे शादी होने के बाद इनसे ये गुड़िया जो है होती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये इनकी पत्नी है और ये खुद तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन्हें। और इसके अलावा आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसके अंदर इनका एक जो
बेटा है, ये जो आप बेटा देख रहे हैं ये पहले से ही महिला जमीन के साथ शादी हुई थी, तो ये बेटा 6 महीने का इन्हीं के साथ में था और 2016 में इनकी शादी होती है और इस तरीके से इन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस बेटे को भी साथ में एक्सेप्ट किया, इसे पिता का प्यार दिया और ये जो बेटी है ये इन्हीं से हुई थी। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात कि वो महिला जब घर से चली जाती है तो उन्हें इन बच्चों का ख्याल नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको बता दें कि आपने बताया कि आपकी जो पत्नी है उनको काफ़ी ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर थी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी पत्नी जो है आपने बताया फ़ोन पर बातें भी करती थी, कई बार आपने इन चीज़ों से कई बार उन्हें समझाया भी, क्या दिक्कत थी सब ये? बस यही मैं बोलता था भाई, किससे बातें करती है, अपनी बहन से, अपने जीजे से बातें करती हूँ, अपनी माँ से बातें करती हूँ, इसने कभी मेरे को अपने मन का राज नहीं बताया। जब मैं बोलता भाई तू क्यों इतनी बातें, तू तो मेरे पे विश्वास नहीं करता, शक नहीं करता, तो मैं अपना घर बसाने के चक्कर में अपना चुप रहता था, अपनी माँ को ही बोलता चुप रहो, आज ऐसा समय आ गया मेरे को छोड़ के चले गए, मेरे माँ बाप कड़प रहे हैं बच्चों के लिए, मेरा पोता पोती मिल जाए, आज ऐसे टाइम आ गया, 7 साल हो गए शादी, इसने एक बार नहीं फोन करा, मेरे को फोन कर दे, आज भी इस घरवाली को अपने अपनाने के लिए तैयार हूँ, अपने बच्चों के लिए रखने के लिए तैयार हूँ, जहाँ भी ये घरवाली किसी भाई को भी मिले ना, जो भी भगवान को मानते मेरी जरूर हेल्प करे। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि इस कहानी में ये जो महिला आपको हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये 2 मासूम बच्चे दिखाए, इन बच्चों को घर पर छोड़कर जिस तरीके से ये चली गई और यहाँ पर यही ये सोच रहे हैं कि अब इन बच्चों के साथ में ले गई जी बच्चे कौन से, दोनों ही साथ में? हाँ, दोनों स्कूल में से बच्चे दोनों ही ले गई जी, बच्चे साथ में ले, हाँ बच्चे साथ में ले गई जी। अच्छा, तो ये उन्हीं को लेकर जो है आप भी काफी ज्यादा बच्चों को, इसको घरवाली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे माँ बाप परेशान है, मेरा भाई सब परेशान है, जो बच्चों को ये इतना प्यार करते थे, सब कुछ मैंने अपना अलग बनाया हुआ था, घर नया बना के दिया, ये दिवाली पे नया लंबारी ले आके दिया, 14,000 का जिस चीज़ पे हाथ रखी सब कुछ दिया इसको, नए सूट पहनाए इसको, मैं एक पेंट में रहता था, नहीं मेरे बच्चे आगे बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पढ़ाऊंगा, घरवाली को भी अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया, आज भी लंबारी उसकी कपड़ों की भरी पड़ी है, जिसको देख के रोना आता है मेरे को। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात ज़रूर है, ये आप तस्वीरों में जो महिला आप देख सकते हैं, ये जब इनके साथ शादी हुई थी 2016 के अंदर, उस समय इनको ये बात बिल्कुल पता थी कि इनका एक बेटा है और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद शादी की। और यहाँ पर महिला ने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्योंकि करनाल के घरोंडा के पास ही जो है ये रहते हैं, घरोंडा में ही रह, बड़ा लड़का 18 साल का है जी, किसका? इस मेरे घरवाली का बड़ा लड़का एक और है 18 साल का, एक बेटा और भी है। हाँ जी, एक बेटा और है, इसने मेरे को वो कहाँ पर है? वो उधर अपनी चाची के पास रहता है गोरखपुर में। गोरखपुर? हाँ जी, ये महिला भी गोरखपुर की रहने वाली? हाँ, उधर की है, मिठुआ गांव की जी। मिठुआ गांव? हाँ जी। तो ये मेरे को बोली है कि मेरा बेटा है एक, मैं उसको लाना चाहती हूँ। मैं ठीक है ले आ, बोली उनके खाते में पैसे डाल दे। मैं फिर बोला नहीं पैसे नहीं डालेंगे, जो भी तेरा उधर भाई है जिसके पास रहती है उसको बोल भी लेके इधर आ जाए, मैं 5,000 रुपया उसको दे दूंगा और वो बेटे को अपने पास रखूंगा मैं। अच्छा, ये बोला अच्छा, था आपने ये भी बोल दिया? हाँ, कि उसको भी साथ, हाँ अपने साथ रखूंगा। फिर इसने ऐसा मतलब आगे कुछ जवाब नहीं दिया, फिर बाद में कोई बात नहीं करी इन्होंने मेरे से, ये ऐसी बात है। अब भी मैं अपने बच्चों और घर वाली को रखना चाहता हूँ जहाँ भी है। तो आप समझ सकते हैं कि घर जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान है कि जो उनका घर है वो बस जाए, उसको लेकर सबसे ज़्यादा दुखी है वो। इनका कहना है कि वो अपनी पत्नी की दिन रात सेवा करते थे, उसे मेडिकली कई प्रॉब्लम भी हो गई थी, डॉक्टर्स ने कई बार ऐसे भी कई बार बताया कि जिस तरीके से डॉक्टर ने ऐसा भी बोला था कि उन्हें जो मेडिकल प्रॉब्लम, क्या 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 मेडिकल प्रॉब्लम आई थी उसका, जो मैंने जाने से पहले 10 दिन पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराया था यहीं अपना घरोंडे में जी, तो नर्स बोली भी जो इसके बच्चेदानी का साइज बढ़ चुका है तो इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा तो हो नहीं सकता ना, मैं बच्चा चाहता था आगे करने के लिए, मैं कल को ये ना कह दे भी मेरे लड़के को देख रेख नहीं करता, मेरे लड़के का प्यार कम कर दिया, तो मैं लड़की करके अपना ऑपरेशन करा दिया, लकड़ी लड़की होने के बाद ऑपरेशन करा दिया जी इसका। मैं आगे यही ना कहते मेरे बेटे को देखती नहीं, अब बेटी तो बराया धन होती, यही मेरा बेटा था, सब कुछ यही था, और घर वाली के खाते में भी पैसे डालता, जो बेटा था मेरा उसका डाक खाने में 13 साल के लिए पैसे जमा कराता, 670
किस्त कराता था, कभी घर वाली को किसी चीज़ से, आज तक मैं ये भगवान सुन रहा है, सब आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपको तो, इस बात की हैरानी भी हुई होगी कि जब शादी के समय तो उन्होंने कहा था मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, और अब आपको अभी आपको ये पता चला है कुछ दिन पहले ही कि उनके तो माँ बाप थे उसके। हाँ जी, हाँ गोरखपुर में। हाँ जी, गोरखपुर में मिठुआ गांव में माँ बाप है। फिर भी उसके बाद इतना झूठ के बाद भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इसने ये नहीं सोचा भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी 5 साल की बच्ची है, 6 साल का लड़का, इनकी जिंदगी बारे में सोचूं। तो इन्होंने ऐसा मतलब कुछ नहीं सोचा, घर जाने से भागने की कोशिश करी है। वैसे इन्होंने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप उनकी जो माँ है उनसे भी मिले, उन्होंने क्या बात कही थी? हाँ जी, वो उनसे मिले हैं, वो हमारे साथ लड़ने लगी तो बोली ये हमारे लिए मर चुकी है, ये हमारी इज्जत रोल के चली गई जी, तो ये मर चुकी है हमारे लिए। 2016 से पहले की बात है, जो हाँ 16 से पहले की बात है जी। उससे पहले कहाँ थी कहाँ नहीं, मैंने आज तक इसे कभी नहीं पूछा किसके साथ रह रही थी, कहाँ जा रही थी, कभी नहीं पूछा। सिर्फ यही सोचा मेरा घर बसता रहे, मेरे बच्चे सामने हैं, मेरे माँ बाप 90 साल के, वो मेरे सर पे कब तक रहेंगे, इतना बड़ा घर कौन देखेगा मेरे को। हैं, तो आज भी अपनी पत्नी और बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, जहाँ भी मेरी पत्नी किसी भाई को भी दिखे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपको भगवान का वास्ता कि मेरे बच्चे मेरे से मिला जाए, मेरा फ़ोन नंबर ले लेने, तो मेरे बच्चे और बीबी मेरे मिला दे। अभी आपको ये जानकारी कहीं से लगी कि वो किसी के साथ जो है चली गई हैं, ये जानकारी आपको कैसे लगी थी? जानकारी ऐसे लगी जी, ये काबड़ी उतरी जी, जैसे मेरे को किसी ने बताया भी काबड़ी उतरी है। काबड़ी उतरने के बाद ड्राइवर पूछा आगे कहाँ जाएगी, बोला मेरा भाई लेने आया है। अब दो मतलब आइडियां निकली हुई हैं, तो उनके फ़ोन बंद आ रहे जी, कभी कभी वो फ़ोन ऑन करता है तो जाती बैल जाती है तो बंद कर देता है तुरंत ही जी। तो हो सकता है उन्हीं के पास हो, तो मैं चाहता हूँ कि जिस भाई को भी दिखे मेरे बच्चे या बीवी दिखे तो मेरे जरूर हेल्प। क्या लग रहा है, किस शहर गई है वो? अभी कुछ नहीं कह सकता जी, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता मैं, मेरे को अभी तक मिली नहीं है तो मैं कैसे कह दूं जी। हो सके काबड़ी हो, पानीपत हो या दिल्ली हो, मतलब लग रहा है कि किसी के साथ चली गई। हाँ, किसी के साथ चली गई जी, जो साफ बात है मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो आज भी अपनी पत्नी को रखने के लिए मैं तैयार हूँ, अपना घर में आ जाइयो भाई, जहाँ भी है घर में अपना बच्चे लेके आ जाइए। आपके साथ 2016 से शादी हुई थी, बिल्कुल ठीक रहती थी आपके साथ? हाँ बिल्कुल ठीक थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा ना, कुछ भी नहीं, कभी आज तक मारा भी नहीं। जो पत्नी की इतनी आदमी सेवा करता हुआ, अपने हाथों से उसको रोटी देनी, रात से टूटा ड्यूटी से आना, थकारा, कभी इस कर्मवाली ने ये नहीं बोलना सरदार जी बैठ जा मैं आज खाना देती हूँ तेरे को, खुद बोलती खाना ले आ, मैं गर्म करके खाना खिलाता, चार पाई पे बैठी के इसके हाथ धोवाता गर्म खाना। आप खुद ही बनाते थे? नहीं नहीं, खाना तो बना देती थी, खाना बना देती थी, अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खाना, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी जी। और कभी ना कहीं जाने से रोका इसको, जे ग्राउंडे जाना ठीक है जी जायो, कोई बात नहीं है जी। है तो घर में भी मतलब कभी भी इसने बोलना मेरे को खाने का ये मन इच्छा कर रहा है, मेरे पास पैसे हो ना, फिर भी मैं खाने के लिए इसके लेके आता था, जैसे मर्जी लेके आऊँ, जो भी इसने मुंह से निकाल दिया। एक घर बसाने के चक्कर में इस औरत से इतना प्यार, बच्चों से इससे इतना प्यार करता था कि आज ये मेरे को छोड़ के चली गई है। मतलब काफ़ी सारी बातें आपको शुरू से पता थी, फिर भी आप बहुत प्यार करते थे? हाँ बहुत प्यार करता, नहीं मेरा घर बस गया, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी सेवा करती रही। पहली शादी थी? हाँ जी, मेरी पहली शादी थी जी ये। और आपकी पत्नी की दूसरी शादी? ये दूसरी पता नहीं तीसरी शादी है, तो ऊपर वाला जानता है मेरे को। जब मेरे साथ शादी हुई तो बोली ये मेरा पहला लड़का है जी, फिर बाद में बताया इसने मेरा बड़ा लड़का भी है, वो चाची के पास रहता है, मैं ले आना। शादी के बाद बताया था? हाँ वो शादी के बाद बताया, मतलब कुछ महीने पहले ही बताया था इसने मेरा। तो वो बेटा भी वहीं का ही है या पहले कहीं और का है? वो नहीं, मैं कुछ भी सर क्या आपने, तो आपने मतलब पुरानी जिंदगी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करा? नहीं जाना चाहा मैं, इसी करके नहीं जाना चाहा, अभी इसका मन ना दुखे, मेरा घर बसता रहे। इसने मेरे मेरे लिए तो सोना है भाई, इसने मेरा घर बसाया है, मेरा सब कुछ इसने बनवा दिया है, एक जंगली आदमी को इसने एक अच्छा इंसान बनाया है। आपने जी, आपने बताया कि आप पहले शराब पीते थे, लेकिन आपने इनके लिए शराब छोड़ दी? सब कुछ छोड़ दिया, मैं इसके कहने से सब कुछ छोड़ दिया था। हाँ जी, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ सादा खाना अपना जो घर में बनता था वही खाता था, जो ये चाहती थी मेरा ये मन कर रहा हो सब कुछ इसको ले आके देता था, भई ये हंसती रहे, सुखी रहे और बसती रहे, अपने बच्चों में बैठी रहे। इसने बच्चों का, बच्ची का मड़ा सा ख्याल नहीं करा, बच्ची होगी 5 साल की, लड़का हो गया 6 साल का जी, आज तक मड़ा सा इसने ध्यान नहीं करा। घर जाते समय इसने ये नहीं सोचा मेरे बच्चों की आगे क्या दिशा होगी, क्या जिंदगी होगी इनकी, कल को बच्चों ने जवान भी होना, बच्ची ने जवान भी होना है, ये दिहाड़ी करेगी, एक बच्चों को देखेगी, कहाँ जाएगी। तो भाइयों जल्दी इसको पता लगाएं और मेरी हेल्प कीजिए,
मेरे बच्चे और मेरे घर वाली जहाँ भी किसी को मिले मेरी हेल्प कीजिए, मेरा फ़ोन नंबर आप ले लीजिए। आपके परिवार में कौन कौन रहता है वैसे? अभी अभी आप हैं, आपके माता पिता? अभी मेरे माँ है 90 साल की, बापू है 90 साल का जी। 90 साल के माता पिता? हाँ जी, 90 साल के हैं जी, घर में रह रहे हैं। और आप रहते हैं? हम तीन हैं जी, तीन दूसरे भाई है जो दूसरे घरों में रहते हैं। ये दोनों बच्चों को ले गई? हाँ, ये दोनों। पहले हमें लगा था शायद छोड़ गई हैं, पर ले गई। नहीं नहीं, मैं तो ड्यूटी पे था, मतलब ले ही गई स्कूल से, दोनों बच्चे लेके चली गई जी। स्कूल में से ले, पहले स्कूल में छोड़ के आई, उसके बाद ये स्कूल से बच्चे लेके चली गई जी। हैं, आज मेरे माँ बापू 80-90 साल के और रो रहे हैं, अरे हमारे पोते मिल जाए, हमारी नौ मिल जाए, हमारे लड़के का घर बच जाए। रात को ड्यूटी आता हूँ, माँ उठ के बेचारी खाना बनाती, 11 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ तो मेरे को बहुत दुख लगता। देखो मेरी पत्नी ने कितना विश्वासघात किया, मेरे को कहती तू विश्वास नहीं करता है, विश्वास करते हुए भी आज मेरे को धोखा दे के चली गई हो, तो मेरे दिल में क्या गुजरती है। रात दिन तड़प रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, रात को नींद नहीं आती। घरवाली से इतना प्यार करता था मैं, जहाँ भी आए घर आ जाए मैं, आज भी उसको रखने के लिए तैयार हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं रिफाइनरी में दिहाड़ी करता हूँ जी। रिफाइनरी में दिहाड़ी करते हैं? हाँ जी। ये पानीपत रिफाइनरी है? हाँ जी, पानीपत रिफाइनरी जी उसी में दिहाड़ी करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जी, बताइए जी क्या कहना चाहते हैं जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी किसी भाई को मेरे बच्चे या पत्नी मिली है तो मेरे को जरूर कॉल करें और मेरी मदद करें। नंबर बता दीजिए एक बार। नंबर जी मेरा 80-5-38-36-329 नंबर है जी मेरा। जी 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 जी, बलवंत सिंह नाम है जी मेरा। तो जी 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 जी, जिस भाई को भी मिले आपको भगवान का वास्ता है, जिस भगवान को मानते हैं आप बहन भाइयों, मेरी मदद जरूर करें। मेरे बच्चे ही है 5 साल की, और लड़का मेरे को जरूर मिला दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दर दर की धक्के खाएं या घर वाली खाएं, दिहाड़ी पे जाए। आज तक इसको 6-7 साल हो गए, कभी दिहाड़ी पे नहीं भेजा मैं, ना अद्धी खा लूँगा, घर वाली की कमाई नहीं खाऊँगा मैं। जैसे भी करूँगा अपने बच्चे मैं पालूंगा जी, मेरे बच्चे हैं, मेरे खून है दोनों। अगर वाली को कभी दिहाड़ी पे नहीं भेजा आज तक भी मैं, जो मेरे को मेरा 20-25 हज़ार कमाता हूँ महीने का, रात दिन ओवर टाइम लगा लगा के कमाता हूँ। मेरे बच्चे हैं घर में, मेरी बीवी खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, अच्छे मतलब से अच्छा अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया था जीवन उनके लिए। हाँ, उनके लिए जीवन ही कुर्बान कर दिया। जो कमाते थे उन्हीं के लिए कमाते, उन्हीं के लिए कमाता, कभी 1 रुपये से तंग नहीं। बच्चे भी स्कूल में पढ़ते? सरकारी स्कूल में बच्चे दोनों डाल रखे थे। फिर मैं सोचा लड़की का आधार कार्ड बनवा दूं, आधार कार्ड बनवाया, मैं सोचा चल इतना शादी लायक होगी, चल थोड़े थोड़े डाकखाने में पैसे जमा करता रहूंगा। लड़के के तो करा ही रखे थे, साल हो गया जमा कराते, हो आईडी उडी सब कुछ लेगी, घर में कुछ नहीं छोड़गी जी। आज उसके कपड़े देख देख के रोता, पूरी लंबारी कपड़ों की भरी पड़ी है, मेरा घर सारा खाली पड़ा, मेरे माँ बाप रोते दिन रात कहीं ना कहीं से आ जाए। आपने FIR भी करवाई थी इनकी? हाँ जी, कराई थी जी। आपने मतलब कि हाँ जी, घर से 2 महीने हो गए जी करा रखी जी, 3rd दिन FIR करा दी थी मैंने। तो पुलिस अपना जो काम कर रही है वो कर रही है। अब मैं सोचा कि मेरे बच्चे जल्दी तो मिल जाए। उनके फ़ोन पे आपने कॉल किया, मिलाया उन्हें बात करने के लिए पत्नी? सर मेरी जो पत्नी फ़ोन घर से ले गई है, 13 तारीख से उसने बंद स्विच बंद कर दिया। आज तक भी बंद है वो? आज तक बंद है। आप चाहते हैं तो अभी मिला के दिखा दे, तो आज तक फोन बंद आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से ये कहानी आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जो कि अपनी पत्नी के लिए आज की डेट में, आज के समय के अंदर लोग शराबें पीते हैं, अपने परिवार छोड़ देते हैं शराब के लिए, लेकिन ये शराब शुरू से पीते थे तो इनकी पत्नी ने जब इन्हें कहा कि या मुझे रख लो या शराब को रख लो, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे तुम चाहिए, तो उन्होंने शराब छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं नशा आज के समय में लोग नहीं छोड़ते, लोग छोटी से नशे की बोतल के लिए, शराब के लिए लोग परिवार छोड़ देते हैं, घर बार में लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ बात शराब की नहीं थी, यहाँ पर था कि ये जो भी कमाते थे अपनी पत्नी के लिए, जिस तरीके से साफ तौर पर इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि पहले भी उन्हें एक बेटा था उसे भी इन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि आज के समय में कोई किसी की औलाद को प्यार तक नहीं करता, मन से दिखावा चाहे कितना भी कर ले। और ऐसे में एक बेटी भी इनसे होती है, 2016 में इनकी शादी होती है, इन्हें उस समय पता था, लेकिन इनकी पत्नी ने उनसे कहीं झूठ बोले शुरू में, फिर भी उन्होंने आज के समय में जब उन्हें पता चला, जब उनकी पत्नी घर से चली गई उन्हें धोखा देकर, और फिर भी इनका आज ये कहना है कि अगर वो घर से चली गई है, हालांकि इन्हें पहले भी बहुत सारी बातें पता थी लेकिन इन्होंने कभी उस बारे में कभी बात तक नहीं की अपनी पत्नी से, लेकिन उसके बाद भी ये आज उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार है और यही कहते हैं कि उसने मेरा घर बसाया और मैं उसको
अब रखने को तैयार हूँ, बशर्ते वो बस वापस आ जाए, क्योंकि दोनों बच्चों को वो साथ ले जा चुकी हैं। तो ऐसे में इनकी दर्द भरी कहानी से आप क्या समझते हैं? हमारे समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये अपनी पत्नी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान है? और आप जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करेंगे, चाहते हैं कि इनकी पत्नी वापिस आ जाए। ये उन्हें आज भी जब वो घर से जा चुकी हैं और इनको साफ तौर पर ये पता है कि वो किसी के साथ गई हुई हैं, ऐसे में लोगों का मन खट्टा हो जाता है। लेकिन ये आज भी कई बार जो है, इनको पहले भी कई बार बातें पता चली, लेकिन फिर भी इन्होंने नज़रअंदाज किया और उसे समझाकर अपने घर में ही रखा। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, और घर में रहने वाले जो दादा दादी हैं बच्चों के, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रात रात को रोते हैं और बीमार पड़े हुए हैं, 90 साल उनकी उम्र है। और ऐसे में आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हालाँकि इनकी पत्नी क्या चाहती हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपका ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी जो है वो वापस आ जाए। आपको तस्वीर एक बार दिखा देते हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये पत्नी, इनकी नाम क्या है पत्नी का बताया आपने? काजल जी। काजल, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय बच्ची का नाम नूर है। हाँ, बच्ची का नाम नूर है, और बेटे का? लड़के का नाम है नमन है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोते हुए, जी जी, 3 महीने पहले बोली भाई मैं अपना अमृतसर जाना, गुरुद्वारे नैना देवी सब जाना है जी। जी 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 जी। तो वहाँ इसको मैं लेके गया जी। ठीक ठीक। तो वहाँ भी सारे गुरुद्वारे जो भी इसने माना, भगवान से मांगा था, उस दर्शन सारी जगह इसको कराए जी। नैना देवी भी कराए, बाबे अड़भाग सिंह भी, अमृतसर भी, डेरा साहब भी, सारे घुमाए। 4-5 दिन हम वहाँ रहे हैं जी। तो वहाँ भी फोन आया तो मैं पूछना किसका है, बोलिए मेरे जीजे का है। मैं चलो कोई, बोलती तू भगवान के घर आके भी मेरे पे शक करता है। मैं जी कोई नहीं, गलती होगी मुझसे, नहीं से करूँगा, तू तो मेरी धर्मपत्नी, मेरे सोना है जिसने मेरा घर बसाया 7 साल से। तो वहाँ भी मैं जो भी इसने मांगा, कपड़ा लत्ता जो भी मांगा है जी, मैं इसको दिया। जय मेरे पास पैसे या नहीं थे, फिर भी वहाँ प्रदेश में इसको सारी चीज़ मैं इसकी मतलब करता रहा भी मेरे घर वाली इधर दर्शन करने आई, किसी चीज़ से दुखी ना हो के, परेशान हो के ना यहाँ से ना जाए, नाराज़ हो के ना जाए। वे मेरे घर वाला मेरे को ले गया और मेरे को एक चीज़ से इसने परसाव किया, तरसाया, ऐसा मैंने नहीं किया। जैसे भी ये बोलती रही मैं करता रहा भाई, मैं यहाँ दर्शन करने, माता के दर्शन करने यहाँ करे, सब जगह दर्शन करा के ले आया जी। जी 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 जी। तो आने के बाद इससे बस अपना जैसे भी रहती रही है। मेरे पास 2 डंगर भी थे, मजबूरी में आन के अब मेरे को 1 डंगर बेचना पड़ गया। सिर्फ घर में कोई काम करने वाला नहीं था, यही करती थी, तो मजबूरी में अब मेरे को 1 गाय वाली दूध बेचनी पड़ गया। आज बच्चों के मुंह से निवाला दूध छीन के साथ में बच्चे लेके चली गई है। तो मतलब मेरा दिल बहुत ही ऐसा है कि मैं मरूं या जीऊं भगवान ही जानता है। जी रहा तो अपने बच्चों और घरवाली के लिए, अपने माँ बाप के लिए जी रहा हूँ। जो माँ बाप मेरा सारा है, मैं उनका सारा हूँ, आज उनके लिए जी रहा हूँ। बापू कहता कोई नहीं बेटा, भगवान तेरे को देगा, तेरे बच्चे मिलाएगा जरूर, इसी आज भी आज जीता हूँ। दिहाड़ी पे जाता हूँ, नहीं मन करता, मरने का मन करता, मैं इतना घरवाली की सेवा करी है, आज घरवाली मेरे को छोड़ के धोखा दे के चली गई है, बता किस चीज़ की कमी करी। अब घरवाली मेरे सामने आ जाए, 1000 बंदे में उसको पूछ लेना भी ये बंदे ने कभी तेरे को परेशान किया है, जो मुँह से बोल दे बंदे ने परेशान किया है, मेरे को जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अपने बच्चों से यार घरवाली से बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ भी है मेरे घर वाली मेरे को मिल जाए, बस आज भी रखने के लिए तैयार हूँ। तो आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और तस्वीर को ध्यान से देखें इनकी पत्नी की। कहीं पर भी देखते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क जो है वो करके आप जानकारी दे सकते हैं। इन्होंने FIR दर्ज करवा दी थी, लेकिन फिलहाल आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? हमारे समाज का नया चेहरा, सिर्फ नया चेहरा नहीं बल्कि नया चेहरा इसलिए ज़रूर कह रहे हैं, हालांकि पहले आपने ऐसी कवरेज बहुत देखी होंगी, लेकिन इस कवरेज के दौरान आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।